हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन द फूडी। और अमन द फूडी आज आ गए हैं आरा में। एक नया चीज़ खुला है भाई, कुलचा छोला, जो कि अक्सर डेली वेली में देखा करते थे। और ये रेडीमेड कुलचा नहीं रखते हैं, आपके सामने कुलचा बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरा डो रेडी कर रखा है इन्होंने, ये देखिए। और डो रेडी करके इस तरीके से बेल रहे हैं। ये मैदे का है भैया कुलचा, यहाँ पे क्या मतलब थोड़ा बताइए कुलचा के बारे में। भटोरा है या कुछ और है? नहीं, छोले कुलचे, ये सब पाव रोटी रहता है ना। अच्छा, उसी तरह। अच्छा, जिस तरह से पाव ब्रेड रहता है उस तरह का है। तो कैसे आप लगा रहे हैं? ये पूरा मैदे का है ना? पूरा मैदे है, दही है, बटर है इसके अंदर। अच्छा, चीनी है, कस्तूरी मेथी है, लौंग फास्टर है। अच्छा, काला नमक है, चाट मसाला, यही सब। काला नमक, चाट मसाला और क्या पूरा बताइए? लौंग फास्टर, चून, दही, चीनी, नमक। अच्छा, सादा नमक ये सब। अच्छा, इस तरीके से सेकते हैं। हो गया, रेडी हो गए तो? नहीं, दो बार इसको सेका जाएगा। अच्छा, दो बार सेका जाएगा, तो ये एक बार सेक लिया गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से सेक रहे हैं। और अपना छोला खोल के दिखाइए। ये देखिए छोला है, प्याज टमाटर सब डला हुआ है। और ये इनका अचार है। तो देखिए इस तरीके से बेला जा रहा है, कुलचा को बनाया जा रहा है। पहले एक बार बेल के सेक के निकाल लिया गया। और ये क्या है? बटर। तो ये कौन सा कंपनी का बटर है भाई? सिद्धि लाइट का बटर है। अच्छा, तो ये इसमें बटर को पिघलाया जा रहा है। देखो इधर, देखो भाई ये आ गया। ये क्या है? भेज। अच्छा अच्छा, मुझे लगा अचार है। नहीं, इसमें डलाएगा, इसके बाद छोला का सब्जी। अच्छा, चलिए बनाइए। हम लोग देख रहे हैं कैसे, पहली बार देख रहे हैं आरा में। तो ये हम लोग पहली बार सेक लिए। आप लोग भी वेट कर रहे हैं, पहले खा चुके हैं या पहली बार खा रहे हैं? पहली बार आरा में नया आइटम है ये। मैंने तो इतना आरा घूमा लेकिन मुझे दिखा नहीं, पहली बार मैं भी रुक गया भाई, देखते हैं क्या है। पहले कहीं और बेचा करते थे कि आरा पहली बार। चलिए ठीक है, दिखाई खिलाइए भाई हम लोगों को। वाह, इस तरीके से बेल तो लिया गया। आगे बताइए, आगे या प्रोसेस भी दिखाइए भाई। और ये देखिए वेज है। ठीक है, चलिए आपके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कर रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। नींबू निचोड़ लिए भाई, नींबू को छोला में डाल दिया गया पूरा एकदम। ये पीले मटर का छोला है ना? काबली वाला। अच्छा, काबली वाला मटर है, छोटा वाला काबली। पूरा बटर जो है सब मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब बटर लगेगा। वाह भाई, पूरा पूरा बटर लग रहा है भाई। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, शानदार बटर लग गया। ये रेडी हो गया कुलचा। अभी आप बोले भेज भी डालेंगे, भेजी डालेंगे। अरे वाह, इसमें डाल दिया गया। अच्छा, इस तरीके से इसको करते हैं। अच्छा, पनीर वाला खत्म हो गया है। अच्छा, ये है क्या? ये नॉर्मल वेज वाला है। अच्छा, इस तरीके से पनीर वाला भी डाल देते हैं। ये छोला डाल रहे हैं, छोला और मांगने में मिल जाता है ना। बहुत बढ़िया, प्याज थोड़ा डाल दीजिए। ये एक ही पीस है 30 रुपए का? नहीं। अच्छा, एक और मिलेगा? ध्यान से पकड़िएगा भाई।
ये है भाई, आइए इसका जायका लेते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो भाई हम लोग का ये आ गया है आरा स्टाइल छोले कुलचे। वैसे तो ये ओरिजिनल छोले कुलचे नहीं है, लेकिन ठीक है, आरा में एक नया इनोवेशन है, एक मैदे का पराठा बना के उसमें बटर लगा दिया इन्होंने और वेज का मसाला इन्होंने लगा दिया है। तो आइए मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। एक बाइट लेते हैं हम लोग छोले के साथ, थोड़ा प्याज भी है इसमें, अचार भी लिया, ये देखिए बाइट। जो पराठा है बहुत ज़्यादा चिम्बड़ है, जो पराठा है गाइस वो चिम्बड़ है। और ओवरऑल देखा जाए तो सही नहीं है गाइस। थोड़ा सा इनको अभी और सीखना पड़ेगा कुलचा कैसे बनाना है। नहीं ठीक है, आराम में नया इन्होंने शुरुआत किया है, कुछ नया सोचा है। चलिए बढ़िया है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, हम तो सही फीडबैक बता देते भाई।